नमस्कार, सुपर मॉम्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मलाई सैंडविच और म्यूनीज सैंडविच। इसके लिए हमें चाहिए म्यूनीज, मलाई, खीरा, धनिया, शिमला मिर्च, गाजर, पत्ता गोभी, काली मिर्च, चाट मसाला, नमक, और हमने इसके लिए 4 ब्रेड स्लाइस ली हैं। अब हम बनाना शुरू करते हैं। अब हम इसके ब्रेड के स्लाइस के ये किनारे तेज चाकू की धार से निकाल देंगे। इनको भी फेंकना नहीं है क्योंकि ये हमारे ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं। इसको मिक्सी में पीस के बारीक बना के और हमारी रेसिपीज़ में काम आ जाएंगे। अब मैं इसको ऐसे पूरा निकाल दूंगी। अब हम इसमें गाजर, शिमला मिर्च, खीरा, पत्ता गोभी, धनिया, काली मिर्च पाउडर, नमक, चाट मसाला, और इसमें हम 2 चम्मच के करीब मलाई डाल देंगे। डाल के इसको मिक्स कर देंगे। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तब हम इसमें हरी मिर्च नहीं डालेंगे, ना मैंने इसमें लाल मिर्च डाली है, इसलिए हमने इसे सिर्फ काली मिर्च डाली है। अगर आप डालना चाहें तो इसमें चिली फ्लेक्स और हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। अब ये हमारा मिक्स हो गया है। अब हम इसे ब्रेड पे लगाएंगे। अब इन्हें हम ब्रेड स्लाइस को रखकर उसके ऊपर हम इसको अच्छे से फैला देंगे। ये बच्चों को बहुत ही पसंद आता है और हेल्दी भी है, झटपट बनने वाला है। अगर बड़ों को या बच्चों को कभी भी भूख लगी है और कुछ खा बना हुआ नहीं है तो हम ये झटपट बना के दे सकते हैं। अब हम इस ब्रेड को इसके ऊपर ऐसे रख देंगे और रखने के बाद हम इसे ऐसे कट कर देंगे। अब हम इसमें एक कट ऐसे लगा देंगे। ये हमारा सैंडविच बनके तैयार है। अब हम दूसरे सैंडविच बनाते हैं। ये हमने एक एक चम्मच दोनों पे मेन्यूज रख लिए। अब हम इसको ऐसे पूरा फैला देंगे। इसको भी इसी तरह से इस पे अच्छे से लगा देंगे। आप चाहें तो इसमें ये सब सब्जियां जैसे मैंने मलाई में मिक्स करी थी ऐसे भी मिक्स कर सकते हैं, पर मैंने इस पे ऐसे लगाई हैं। अब हम इस पे सब सब्जियां डालेंगे। इसका कलर काफ़ी अच्छा आता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है क्योंकि हमने इसमें गाजर, शिमला मिर्च,
पत्ता गोभी डाली है। अब हम इसके ऊपर पत्ता गोभी लगा देंगे और हम इसको फिर डालेंगे हल्का सा चाट मसाला। मिर्च, काली मिर्च पाउडर और हल्का सा नमक। नमक इसमें हमें कम ही डालना है क्योंकि मेयोनीज़ में नमक होता है। अब हम इसको इसके ऊपर रख देंगे और इसको भी हम काट लेंगे। इसको मैंने ट्रायंगल शेप में काटा है, आप किसी भी शेप में काट सकते हैं। ये देखिए आप कितना सुंदर लग रहा है। आप इसको, अब हम इसको इसी प्लेट में रख देंगे। ये हमारे सैंडविच बनके तैयार हैं। आप इसे बनाइए और आपको ये बहुत ही पसंद आएंगे। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट्स बॉक्स में बताएं और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।